क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है, आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067520। धनबाद नगर कमेटी आजसू पार्टी का हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम की शुरुआत शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केंदवाड़ी में बदहाली के खिलाफ चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान की अध्यक्षता धनबाद नगर अध्यक्ष जीतू पासवान ने किया। संचालन केंद्रीय सदस्य रतिलाल महतो ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद जिला अध्यक्ष मंटू महतो उपस्थित हुए। हस्ताक्षर अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित होकर लोगों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि धनबाद जिले के अंतर्गत वार्ड संख्या 9 में एकमात्र शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें 3 थाना 3 OP क्षेत्र पड़ता है। पुटकी थाना, केंदवाड़ी थाना, लोयाबाद थाना, मुनिडी ओपी, भागाबाद ओपी, गोंदुड़ी ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 9 पंचायत क्षेत्रों को मिलाकर 2 लाख से घनी आबादी के लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होने के कारण उपचार के लिए लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आजसू पार्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समुचित व्यवस्था चालू करवाने की मांग करती है। केंद्रीय सदस्य रतिलाल महतो ने कहा कि 10 सूत्री मांग पत्र जिले के सिविल सर्जन धनबाद को दिनांक 5 सितंबर 2022 को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो इस प्रकार है। स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटा डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्सिंग, रायका उपलब्ध कराएं। केंद्र में 24 घंटा 3 या 4 एम्बुलेंस रखने की व्यवस्था उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य केंद्र में बेड की स्थिति अत्यंत दयनीय है, उसको बदलकर या नया एवं एक्स्ट्रा बेड की संख्या बढ़ाने की कृपा करें। केंद्र में प्रतिदिन जनरल फिजिशियन, मेडिसिन सर्जन, ऑर्थो, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करवाने की कृपा करें। केंद्र में एक्सरे जांच की सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। केंद्र में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध अविलंब करवाएं। केंद्र में ऑपरेशन थिएटर के आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध अविलंब करवाएं। स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव उपरांत जच्चा एवं बच्चा को वातानुकूलित कमरे में रखने की अविलंब व्यवस्था करवाएं। स्वास्थ्य केंद्र में कुशल प्रशिक्षित नर्स को रखा जाए। नर्स की लापरवाही अनेक बार घटना घट चुकी है, इसकी व्यवस्था प्रशिक्षित नर्स की अविलंब करवाएं। केंद्र में पीने का पानी, आरओ द्वारा स्वच्छ पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाने की कृपा करें। बरसात के दिन में अस्पताल के बाहर पानी जम जाता है, जिसके चलते बदबू का शिकार होना पड़ता है। रात्रि में प्रसूति के दौरान प्रसूति को गर्म पानी के साथ भोजन की व्यवस्था करवाने की कृपा करें। आजसू पार्टी के नगर अध्यक्ष जीतू पासवान ने कहा कि 10 सूत्री मांग पत्र को लेकर आज हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इस पर अगर अविलंब जिले के सिविल सर्जन समुचित व्यवस्था नहीं करती है तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के लिए विवश होंगे। नगर कमेटी के एवं जिला कमेटी में केंद्र के पदाधिकारी, महत्वपूर्ण एवं सम्मानित साथी उपस्थित हुए, जिनमें केंद्रीय सदस्य रतिलाल महतो, केंद्रीय सदस्य कुल्लू चौधरी, नगर अध्यक्ष जीतू पासवान, जिला उपाध्यक्ष संजय महतो, जिला सचिव अमर पासवान, महानगर उपाध्यक्ष संतोष पासवान, नगर सचिव छोटे सिन्हा, नगर उपाध्यक्ष सुनील महतो, कलियासोल प्रभारी संतोष कुशवाहा, शत्रुघ्न धारी भोलू यादव, इसराइल अंसारी, कोषाध्यक्ष धर्म गुप्ता, मोहन राम, सुदामा पासवान, बबलू पासवान, दीपू विश्वकर्मा, विनोद पासवान, सूरज कुमार, शशि कुमार, सागर सिंह, कन्हैया कुमार, पिंटू सिंह, निरंजन कुमार, सूरज पासवान, रवि कुमार, रितेश पांडे, अमित कुमार, राहुल पासवान, राजकुमार, राहुल भैया, शुभम कुमार, सुमित कुमार, विकास कुमार, पप्पू यादव आदि साथी की गरिमामय उपस्थिति रही। कोरोना काल के बाद से या कोरोना काल के समय से ही जो स्वास्थ्य केंद्रों का हालात है, करगिल अवस्थित जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये लगभग 2 लाख आबादी
के बीच का ये उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर स्थापित है, लेकिन इतना बड़ा आबादी उपस्थित होने के बाद भी यहाँ पे चिकित्सकों का 24 घंटा जांच मशीनों का उपलब्धता, दवा के उपलब्धता, ऐसे दर्जनों जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो समस्या से लोग आसपास के लोग या दो लगभग 2 लाख आबादी परेशान है। आज जो पार्टी वो चाहे धनबाद जिला का जन मुद्दा हो, विषय हो, या राज्य स्तर का कोई मुद्दा कोई विषय हो, हमेशा हम लोग हमारे नेता हमारा पार्टी के साथ ही कार्यकर्ता हमेशा उन विषयों को लेकर के उन मुद्दों को लेकर के मुखर रहा है और हमेशा सड़क पे रहा है। आज हम लोग पुनः ऐसे ज्वलंत मुद्दा को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर एक हस्ताक्षर अभियान का हम लोग आज शुरुआत किए हैं। ये पूरे 2 महीना भी ये हस्ताक्षर अभियान लगभग 2 लाख आबादी के बीच में हम अपना ये संदेश इस अस्पताल को लेकर के हम लोग लेकर के जाएंगे और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग सोचे हुए हैं और इन 2 लाख लोगों के बीच में जाकर के उनके भावना को, इन समस्या को अवगत कराते हुए उनके भावना को कलेक्ट करके उनके विचार उनका हस्ताक्षर लेकर के हम लोग जिला स्तर पर जिला के संबंधित पदाधिकारी से हम लोग मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और उसके बाद हम लोग राज्य स्तर पर भी जाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हो, राज्य के हमारे पार्टी के वरिष्ठ बड़े नेता हो, केंद्रीय अध्यक्ष हो, इन लोगों से या हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं विधायक हैं हमारे पार्टी के, उन लोगों से संपर्क कर आने वाले समय में इन विषयों को लेकर हम लोग विधानसभा तक भी बात रखने का पूरा चेष्टा करेंगे। हम लोग आईसीयू बैनर के तले शहरी करकेन चिकित्सालय जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, लगभग हम लोग के ये चिकित्सालय केंद्र 2 लाख आबादी पर है। 3 थाना क्षेत्र का ये चिकित्सालय केंदुआ, कुटके, लियाबाद और इनके अंतर्गत ओपी जो भी है, ये सारे क्षेत्र का 7 वार्ड इस पर पड़ते हैं। 7 वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 9 पंचायत बुनेडी क्षेत्र के, कुटके क्षेत्र के 9 पंचायत, लगभग 2 लाख से अभव आबादी का ये स्वास्थ्य केंद्र जो राज्य सरकार द्वारा है। इसमें बहुत सारी कमियां पिछले कई सालों से हम लोग आईसीयू पार्टी के बैनर तले लगातार नियंत्रण हम लोग चला रहे हैं और इससे संबंधित जो लोग हैं, चाहे इसके स्वास्थ्य मंत्री हो या राज्य सरकार के जो भी लोग हैं या नगर आयुक्त, उपायुक्त और सारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लगातार हम लोग आग्रह पूर्वक कहते आ रहे हैं कि इसको जो भी कामियां है, हम लोग ने 10 सूत्री मांग को लेकर आज हस्ताक्षर अभियान एक नारा के साथ में लगाया है। जन जन का नारा है, 2 लाख चिकित्सालय को व्यवस्था दुरुस्त करने का यह नारा है। हम लोग आईसीयू पार्टी के माध्यम से कर हस्ताक्षर अभियान आज चला रहे हैं। उसके बावजूद अगर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री या फिर जनप्रतिनिधि लोग या चिकित्सालय प्रबंधक गंभीरता से नहीं लेती है तो हम लोग पुनः आईसीयू पार्टी के बैनर तले यहाँ पर हम लोग भूख हड़ताल पर जाने का भी काम करेंगे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत में तेंदुआ उप स्वास्थ्य केंद्र में 10 सूत्री मांग पत्र को लेकर हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान की आज शुरुआत किए हैं। हम लोगों ने विगत दिनों भी धनबाद के जिला के जो सर्वे सर्वा है, उपायुक्त महोदय और शिक्षा अधीक्षक, शिक्षा प्रभारी को भी, स्वास्थ्य सिविल सर्जन को भी हम लोगों ने चिट्ठी के पत्र के माध्यम से हम लोगों ने सूचना दिया है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं के लिए विशेष सुविधा नहीं है। जब रात्रि समय में किसी भी अप्रिय घटना, 2 लाख की आबादी इस क्षेत्र में पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन घटना घटने के बावजूद भी जो रात्रि में जब सेवा लेने के लिए आता है तो यहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्सक नदारत रहते हैं, नर्स की कमी है और बिजली की तो एकदम व्यवस्था रात को नहीं हो पाती है।
यही सब मांगों के लेकर हम लोगों ने आज हस्ताक्षर अभियान चलाए। अगर हम लोगों के मांग पत्र 10 सूत्री मांग पत्र पर अगर अमल नहीं करता है जिला के मालिक, तो हम लोग सड़क से लेकर आंदोलन सदन तक करने के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो।